फरवरी को नागरकाटा में अभिषेक बनर्जी के जनसभा को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार सभाएं की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को शाम लगभग 7 बजे बानरहाट राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस यूथ कमेटी के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष शैकत चटर्जी के नेतृत्व में एक सभा की गई। इस सभा के दौरान बानरहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के सभापति नयन दत्ता, उपसभापति सागर गुरुंग एवं जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी के महासचिव राजू गुरुंग, बानरहाट तृणमूल कांग्रेस यूथ ब्लॉक सभापति विमल महली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान आगामी 20 फरवरी को अभिषेक बनर्जी के सभा को लेकर रणनीति तैयार की गई। देखिए एनआई द्वास न्यूज यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। सीएसटी रिजर्वेशन आछे बोले आमी होतो टिकट पाछी ना अनेक बड़ो नेता আমি ছাত্র জীবন থেকে বড় হয়েছি ও নিজে এনসিপিতে দাঁড়িয়ে 854টা ভোট পেয়েছিল। বৈশালী ডালমিয়া, জগমোহন ডালমিয়ার মেয়ে ছাড়া কী পরিচয় আছে? আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, শুভেন্দু অধিকারী যদি বাইচুং ভুটিয়া হয় বিজেপি মনে করে, তাহলে জেনে রাখবেন একুশের রাজনীতির ফুটবল খেলায় আমার দিয়েগে মারাদোনার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সে তৃণমূলেই আছে। আচ্ছা, আজকা যে কার্যক্রম হুয়া ইসকা বিষয়বস্তু ক্যা হ্যায়? আজ তো এক মিটিং হ্যায়, इस मीटिंग में तृणमूल युवा और तृणमूल मादर कांग्रेस का लीडरशिप जो बानरहाट ब्लॉक का है, अब तो बानरहाट सांगठनिक ब्लॉक नहीं रहा, बानरहाट तो प्रशासनिक ब्लॉक बन गई और ये प्रशासनिक ब्लॉक तो हमारा दीदी ममता बनर्जी ने दी है। तो ये आज हमारा मीटिंग है कि 20 तारीख को जो हमारा पब्लिक मीटिंग हो रहा है अभिषेक बनर्जी में, उसमें नागरकाटा यूरोपियन क्लब के मैदान में, उस मैदान में कम से कम 1,03,000 आदमी का भीड़ चाहिए और उसके बाद अगर रास्ता को भी भीड़ से रास्ता में भीड़ लाना चाहिए तो उसको कम से कम 1.5 लाख आदमी चाहिए। तो हम लोग 1.5 लाख का बंदोबस्त कर रहा है और जो जुलूस, जो इच्छा, जो जीत तृणमूल कांग्रेस की कर्मी और कार्यकर्ता में है, वो एक ही बात बोल रहा है कि सुकरा मुंडा कृपा करके नगरकाटा का भाजपा का उम्मीदवार बन जाओ, हम लोग 50,000 वोट से तुमको हरा देंगे। और बानरहाट, एक्चुअली बानरहाट ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीन MLA सीट पड़ता है, तो 3 MLA सीट में ही बानरहाट से धूपगुड़ी हो, नगरकाटा हो या मदारीहाट हो, 3 MLA सीट में ही बानरहाट से जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे उनको लीड मिलेगी। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए 2019 का चुनाव एक मिथ्याचार भ्रष्टाचार का चुनाव था। उस चुनाव में मोदी देश का प्रधानमंत्री का मुख था, लेकिन उसका विकल्प कई मुख हम लोग ले नहीं ला सका क्योंकि विरोधी में कोई गठबंधन नहीं बना। लेकिन ये निर्वाचन मोदी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दीदी का चुनाव है। वो लोग सोच रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ले लिया, राजीव बनर्जी को ले लिया तो बहुत अच्छा हुआ। अरे राजीव बनर्जी से मैं शैकत चटर्जी बड़ा लीडर हूँ। जलपाईगुड़ी जिला में 7 सीट में 6 सीट SC ST रिजर्वेशन है और 1 गौतम देव के लिए रिजर्व है, इसीलिए मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ सका। लेकिन मेरा छात्र युवा राजनीति का जो तजुर्बा है, मैं उस तजुर्बा से बोल रहा हूँ कि वैशाली डालमिया जगमोहन डालमिया की बेटी है, दिनेश त्रिवेदी के पास 5 आदमी भी नहीं है, राजीव बंदोपाध्याय का पास 5 से 10 आदमी से ज़्यादा नहीं है और शुभेंदु अधिकारी को वो लोग सोच रहा है कि वो बाइचुंग भुटिया को तृणमूल से ले लिया। बहुत अच्छा किया, बाइचुंग को लेकर चला गया, बाइचुंग ऐसे भी चला गया, बाइचुंग को लेकर चला गया। लेकिन 2021 का जो चुनाव हो रहा है वो फुटबॉल का, अगर फुटबॉल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस चुनाव में हमारा टीम में, तृणमूल का टीम में दिए गए मारादोना है जिनके नाम है ममता बनर्जी। खेल होगा, दिखा भी होगा, लड़ाई भी होगा और गोल भी करेंगे। लिख लीजिए, उन लोग ने बोला था कि बीजेपी बोला था 19 में हाफ, तृणमूल 21 में साफ, मैं बोल रहा हूँ 19 में 22 और 21 में 294 में 222। लिख लीजिए, ममता बनर्जी फिर चीफ मिनिस्टर बनकर लौट रही है, नंदीग्राम से 59 टोटल तृणमूल। अच्छा, यहाँ पे जो जेपी, देखिए वो नाड्डा चाड्डा गाड्डा, ये तो ऐसा आदमी है, ये लोग जोकर है, पॉलिटिकल जोकर है। हाँ, दिलीप घोष जाके LED बल्ब दे रहा है, दीदी ने रास्ता बना दी, पानी दे दी, कन्याश्री दी, रूपश्री दी, सबूत साथी दी, ओल्ड एज पेंशन दी, यही तो बल्ब है, यही तो रोशनाई है, रोशनाई तो यहाँ पर है। और LED बल्ब को गिफ्ट देकर उन लोग को भीड़ जुटाना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुख की बात क्या है? देखिए टेम्पो उठाना अच्छा है लेकिन टेम्पो पकड़ के रखना बहुत कठिन बात है। और दिलीप घोष जैसा लीडर बंगाल में, बंगाल को भी एक्सेप्ट करेगा? देखिए ये चुनाव, मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, ये चुनाव सिर्फ तृणमूल और भाजपा का बीच का चुनाव नहीं, ये चुनाव बंगाल के खिलाफ गुजरात का चुनाव है, ये चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चुनाव है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देशद्रोही थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश को हराकर पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर
देश का स्वाधीन भारत वर्ष का जो फ्लैग उन्होंने उठाए थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका विरोध किया था। 1942 का मूवमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। तो ये चुनाव नेताजी का खिलाफ श्यामा प्रसाद का चुनाव है, ये चुनाव आशुतोष बंगाल का बाग आशुतोष मुखर्जी का खिलाफ श्यामा प्रसाद का चुनाव है, ये चुनाव बंगाल के साथ गुजरात का चुनाव है, हम गुजरात को हरा के छोड़ेंगे। सैकत जी, 15 विधानसभा सीट ऐसा है जो चाय बागान क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो चाय बागान में जो वेतन वृद्धि हुआ है 26 रुपया, उसके आड़ में कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस का डिमांड रुक गया है, इससे फायदा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, निर्मला सीतारमण को तो आप लोग पहचानते हैं। 2016 में निर्मला सीतारमण देश का फिनांस मिनिस्टर ने बोली थी डानकान का 16 जो चाय बागान है खोल देंगे, खुला नहीं। उसको खोलने का जो भी कोशिश और प्रयास वो राज्य सरकार ने किया। दूसरे बार मोदी जी आके चुनाव की पहले 2019 में बोला कि हम लोग फिर से चाय बागान खोल देंगे, लेकिन वो भी नहीं खुला। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, CPM का समय में चाय बागान का वेजेस कितना था? 66 रुपीज़ 67 रुपीज़, वो तीन गुना उनका ग्रोथ हुआ है। तो चाय बागान में चाय सुंदरी हुआ है, और चाय बागान में पंचायती राज का लड़ाई भी तृणमूल कांग्रेस का नेत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कांग्रेस का DP राय भी उस लड़ाई में शामिल थे। लेकिन भाजपा का क्या रोल है? भाजपा को झूठ बोलने के सिवा और क्या रोल है? नरेंद्र मोदी इतना बड़ा दाढ़ी लेकर के रविंद्रनाथ बन सकते हैं? और मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, हर बनर्जी ममता नहीं है, और हर राजीव गांधी नहीं है। ये राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इन लोग को सोचना चाहिए। देखिए, मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, एक चुनौती है। मैं शुभेंदु अधिकारी को नमस्कार करके बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार तृणमूल युवा कांग्रेस का जिला का अध्यक्ष बनाए थे। जो एक दिन लीडर थे वो ऑलवेज लीडर, ये हमारा पॉलिटिकल डिसेंसी है। लेकिन मैं एक बात आज बोलना चाहता हूँ, शुभेंदु जी अब नंदीग्राम में खड़ा हो जाइए, आपको 50,000 से ना हरा दिया तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी आपको 50,000 में हराएंगे, और आपको आप विधायक भी नहीं बन सकेंगे। আচ্ছা, এই আমাদের বাঘা নেতৃত্বের সাথে আমার কথা হয়েছে একবার দুবার, তার আমার সাথে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় গিয়েও দেখা করেছিলাম। এবার হেডকোয়ার্টারটা কোথায় হবে এগুলো তো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, এগুলো নিয়ে আমি তো নবান্নে বসিও না, নবান্নে হয়তো জীবনে একবার কি দুবার গেছি, তা এই ব্যাপারে আমার মতামত দেওয়াটা ঠিক না। বানারহাটের মানুষের সুবিধার্থে, প্রশাসনিক ব্লকের মানুষের সুবিধার্থে যেখানে হেডকোয়ার্টার হওয়া উচিত, রাজ্য সরকার বিবেচনা করে সেটা করবে। ব্লকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এরপর নির্বাচন ঘোষণা হবে। নির্বাচনের পর আমরা আবার ফিরে আসব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বানারহাটে এসে হেডকোয়ার্টার কোথায় হবে ঠিক করে দিয়ে যাবে। আচ্ছে স্বাস্থ্য কে লিয়ে পিতে রহিয়ে ফিজি একওয়া ডিলারশিপ কে লিয়ে ডিলারশিপ কে লিয়ে দ্বাস ইলাকে মে দ্বাস ইলাকে মে ফিজি একওয়া কে মাধ্যম ফিজি একওয়া কে মাধ্যম জল আপ জল আপ প্রাপ্ত কর সকতে। আচ্ছে স্বাস্থ্য কে লিয়ে